हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रेशर कुकर में बनने वाली दो बेहतरीन रेसिपीज और छोटी सी झलक हमारे लास्ट वीक जो भी हमने किया। सोचा कि आपके साथ किया जाए। संडे है, बच्चे जो है आए हुए हैं बहन के, और भाई की फैमिली भी जो है रुकी हुई है कल से हमारे घर में, तो बहुत एंजॉय किया हमने। और बच्चों ये बना रही है पास्ता, तो प्रेशर कुकर में झटपट चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस ग्लास से चार ग्लास जो है मैंने पास्ता लिया है, और साथ ही यहाँ पर आप देखें चार से पांच टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाला है प्रेशर कुकर में, और दो बड़े ऑनियन जो है लार्ज ऑनियन मैंने मिक्सर में पेस्ट बना के इसमें डाल दिया है। अब इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। और ये जो बच्चा है छोटा सा, इसको जो है बुखार हो गया है, बहुत ही शरारती है, तो बुखार की वजह से बेचारा जो है अभी डल है आज। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनियन जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है गाइस। अब इसमें मैंने डाला है दो टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें नहीं लगते, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, उससे जो है मज़ेदार आप पास्ता बना सकते हैं। तो इसमें मैंने टोमेटो प्यूरे डाला है, 6 से 7 टमाटर आप इसमें डाल सकते हैं, जितना आपको फ्लेवर चाहिए आप उतना जो है इसमें टमाटर का पेस्ट डाल सकते हैं। तो उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, कम या ज़्यादा आप नमक ऐड करें। नमक ऐड करने से जो है टमाटर जल्दी से कुक हो जाता है। तो आप देखें यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से जो है टमाटर फ्राई हो चुके हैं। साथ ही मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं गाइस। तो बेसिक मसाले हैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ही जो है हल्दी मैंने इसमें डाल दिया है, और साथ ही जो है मैगी मसाला मैं डाल दूंगी, जिससे इसका फ्लेवर जो है बहुत बढ़िया होता है। आप चाहें तो मैगी के क्यूब्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद मसाले को अच्छे से भून लेंगे, और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो 1 ग्लास अगर पास्ता आप लें तो 1.5 ग्लास उसमें जो है पानी डालें, क्योंकि इस तरीके से प्रेशर कुकर में मैं पास्ता बना रही हूँ, तो जो स्टार्चीनेस होता है पास्ते का, उससे जो है बहुत ही मज़ेदार और सूपी से जो है ये पास्ते तैयार होते हैं। अगर आप चाहें तो इसको बॉईल करके सेपरेटली फिर मसाला कुक करके उसमें डाल सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही इजी तरीका है जो मैंने शेयर किया है आपके साथ। तो पानी यहाँ पर आप देखें बॉईल हो गया है, तो हल्का सा जो है पास्ते को करके इसमें डाल देंगे और लिड को लगा देंगे। तो 2 से 3 विजल्स आप इसको लगाएं, और उसके बाद हम सारा प्रेशर रिलीज होने के बाद इसको ओपन करेंगे। तब तक हम पियेंगे अभी चाय, मैं और मेरे भाई की बीवी। तो ये गाइस देखें आप, बहुत ही मज़ेदार सूपी बेहतरीन पास्ता जो है बनकर तैयार है। बच्चे भी जो है भूखे हो गए हैं, पास्ते के नाम से ही बच्चों को भूख लग जाती है। तो अगर आपका पास्ता जो है थोड़ा सा हार्ड हो गया, मतलब कि पानी उसमें कम लगे, तो आप जो है गरम किया हुआ इसमें मिक्स करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर टॉपिंग्स भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, या भी आप इसमें मिक्स हर्ब्स डालना चाहे ऊपर से तो आप डाल सकते हैं, उससे बढ़िया फ्लेवर इसमें आता है। तो सर्व कर दिया हमने गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए, और उसके बाद आज हम हो जाएंगे और जाएंगे बहन के घर, क्योंकि बहन के घर में सभी को जो है हमको दावत है आज। तो ये हम आ गए हैं गाइस हमारे आपा जान के घर। तो बिरयानी बन रही है, और ये चिकन है जो बूस्टर चिकन है वो बनाती हैं, बहुत ही मज़े का होता है, कभी आपके साथ शेयर करेंगे वो रेसिपी। और लंच हमने एंजॉय किया, बहुत मज़े का जो है था। और सुबह हो गई है गाइस, तो लेजी मंडे मॉर्निंग, मैं बना रही थी डोसा। तो डोसा बैटर घर में हो तो बहुत ही आसान है ब्रेकफास्ट में, क्योंकि जो है एक बार डोसा बैटर बना लें तो 2-3 दिन जो है आराम से जो है डिफरेंट डिफरेंट डोसा डिफरेंट डिफरेंट चटनियों के साथ आप सर्व कर सकते हैं।
जिससे काम जो है बहुत ही आसान होता है। परफेक्ट डोसा बैटर बनाने की रेसिपी और जो सारी मसालों की रेसिपीज़ है मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है रेड चटनी और येलो चटनी, जिसको बॉम्बे चटनी और हम लोग खार कहते हैं, कारम कहते हैं, उसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट की तरह जो है शेयर की हुई है, आप चाहें तो जाकर देख लें। तो बच्चे हो गए हैं तैयार, मैंने इनको बना कर दे दिया है क्रिस्पी मज़ेदार जो है मसाला डोसा, तो आराम से जो है उन्होंने खा लिया और वो लोग चले गए हैं स्कूल। आप देखिए किस तरीके से जो है क्रिस्पी डोसा हो गया है गाइस। तो उसके बाद मैं बना रही थी चिकन, अचानक से जो है बच्चों की फरमाइश थी रात में, तो मैं बना रही थी चिकन प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर से जो है बहुत ही आसान होता है काम, ज़िंदगी जैसे बहुत आसान हो गई है। तो 400 ग्राम चिकन मैंने निकाला है फ्रिज से और उसके लिए मैंने एक बड़ा सा ऑनियन जो है पेस्ट बना के फ्राई कर दिया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के साथ। अदरक लहसुन मैंने इसमें ऐड किया है 1.5 टीस्पून, 2 से 4 जो है बड़े टमाटर का मैंने पेस्ट बना के इसमें डाल दिया है, नमक इसमें डाल दिया है। आजकल जो है मैं इसी तरीके से कर रही हूँ गाइस, तो प्याज टमाटर जो है झटपट अगर मुझे चाहिए तो मैं इसका पेस्ट बना के डाल दे रही हूँ, जो मैंने सीखा है हमारे खाला सास से, तो बहुत आसान हो गया है इस तरीके से। तो साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। साथ ही जो भी आपके पास रेडीमेड मसाला है चिकन का वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो है चिकन मसाला डाल दिया है और हल्का सा इसमें पानी ऐड करके मसाले को जो है अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद जो चिकन हमने वॉश करके रखा है उसको इसमें डाल देंगे। तो अपने पसंद के मुताबिक आप जो है चिकन के पीसेस कट कर सकते हैं, आप चाहें तो छोटे वाले पीसेस भी बनाकर इसमें डाल सकते हैं। चिकन के साथ अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। चिकन जो है अपना पानी खुद छोड़ देगा, मगर थोड़ा सा हल्का सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है 1/4 कप जितना। तो इसको मैंने लिड लगा दिया है 2 विजल्स हाई फ्लेम पे और 1 विजल लो फ्लेम पे। उसके बाद लिड को ओपन करेंगे तो आप देखें कितना पानी जो है इसमें अभी भी मौजूद है, चिकन अच्छे से गल गया है। फ्लेम को ऑन करके हाई फ्लेम पे सारा पानी सुखाएंगे, जितना आपको ग्रेवी चाहिए, जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप इसको पकाएं। और मैंने हरा धनिया इसमें डाल दिया है, थोड़ी देर फ्लेम को लो करके दम पे छोड़ देंगे और उसके बाद जो है गर्मा गर्म चिकन मसाला तैयार है। आप देखें गाइस बहुत ही मज़े का था और बहुत ही जल्दी जो है बनकर तैयार हुआ था। गर्मा गर्म रोटियों के साथ अगर आप ये चिकन सर्व करेंगे तो बच्चे जो है खुशी खुशी जो है खा लेंगे। तो ये थे हमारे रेसिपीज़ तो प्रेशर कुकर में, और बहुत सारे रेसिपीज़ हैं जो मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ। इंशाल्लाह आगे ब्लॉग्स में मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पर आप देखें चिकन मैंने सर्व कर दिया है और डिनर हमने कर लिया। उसके बाद हो गया है नेक्स्ट डे और भाई आए हुए हैं, आप देखें किस तरीके से बैठे हुए हैं, ताकि मैं इनको ना रिकॉर्ड करूँ। तो बाहर जाना था गाइस, तो भाई आया हुआ है, बहुत सारे काम जो है सुबह से हुए हैं, बच्चे जो है दोनों चले गए हैं, छोटी ने आज ले ली है छुट्टी और सारे कपड़े जो है हमने फोल्ड कर दिए हैं, जो ज़िंदगी का बहुत बड़ा काम होता है कपड़े फोल्ड करना। तो सारे बर्तन भी मैंने सेट कर दिए, वाईफाई हमने ऑफ कर दिया और हम जा रहे हैं बाहर। तो ज़िंदगी है बहुत फास्ट जो है गुज़र रही है, इसके साथ जो है भागना भी है इंसान को। तो फास्ट रेसिपीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो ये था गाइस हमारा आज का व्लॉग, आज के रेसिपीज़, आई होप कि आपको पसंद आएंगे। दुआओं में हमें याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।